हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और अपने प्रेगनेंसी को एंजॉय कर रहे होंगे और आपकी प्रेगनेंसी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी, काफ़ी हेल्दी चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में, जैसे कि हर प्रेग्नेंट लेडीज़ का मन में एक ही क्वेरीज होता है कि मुझे क्या होगा, काश मुझे कोई अंदाजा नहीं बता देता कि हमें बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगा। क्योंकि प्रेगनेंसी एक ऐसा मोमेंट होता है जिस समय महिलाओं के जानने की बहुत ज़्यादा उत्सुकता होती है कि काश मुझे कोई बता देता कि हमें बेटा होगा या बेटी होगी। हालांकि मुझे पता है कि आप सभी जेंडर सिलेक्शन को बढ़ावा नहीं देते हैं, लड़के और लड़की में भेदभाव नहीं करते हैं, बट एक जानने की उत्सुकता होती है कि हमें क्या होगा ताकि उसके अकॉर्डिंग हम तैयारियाँ कर सकें। बेबी बॉय होगा तो बेबी बॉय के अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे, बेबी गर्ल होगी तो बेबी गर्ल के अकॉर्डिंग हम तैयारी करेंगे। इसके लिए हर घर के फैमिली लोग जानना चाहते हैं और खास करके फैमिली में इतनी खुशियाँ होती है, इतनी उत्सुकता होती है कि जानने की उत्सुकता तो बढ़ ही जाती है। खास करके जो घर के दादाजी बनने वाले हैं, दादी बनने वाली है, नाना नानी, और खास करके जो हस्बैंड है, तो वो तो बहुत ही ज़्यादा उत्सुक होते हैं। तो चलिए हम एक एक करके सिम्टम्स में आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि ये जो सिम्टम्स है आपको सातवें और महीने में, आठवें महीने में देखने को मिलेंगे, लेकिन बहुत ही सटीक सिम्टम्स है। यदि आप गर्भवती हैं तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, क्योंकि आज का वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सातवें आठवें महीने में, जैसे कि आप सभी को पता हुआ, जो भी सिम्टम्स दिखता है काफ़ी हद तक 99% ये सिम्टम्स बहुत ही सटीक होते हैं। सबसे पहला जो सिम्टम्स है कि अगर आपको, यानी कि सातवें महीने में, जैसे कि आपको कभी भी प्रेगनेंसी के दौरान आपको, यानी कि जैसे कि मान लेते हैं आपको बिल्कुल ब्लीडिंग थोड़ी सी भी कभी नहीं होती है, सातवें महीने तक नहीं हुआ है, जैसे आपका सातवां महीना स्टार्ट हुआ और आठवां महीना, उस समय आपको एकदम हल्की सी बूंद के टाइप आपको ब्लीडिंग यदि होती है, तो यह एक बहुत ही पक्की निशानी मानी जाती है कि गर्भ में पल रहे शिशु एक लड़का है। लड़का होने पे हल्की फुल्की आपको बूंद के टाइप ब्लीडिंग देखने को मिल सकता है, लेकिन यदि आपको ज़्यादा ब्लीडिंग होती है प्रेगनेंसी के दौरान, तो इसे इग्नोर नहीं करना है, आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। अगला सिम्टम से है कि अगर आपको सातवें और आठवें महीने में वाइट डिस्चार्ज की समस्या है, हालांकि प्रेगनेंसी में थोड़ी मोड़ी वाइट डिस्चार्ज होती है, ये नॉर्मल सी बात है, अगर आपको सातवें और आठवें महीने में वाइट डिस्चार्ज पास हो रहा है और ये हल्के पीले रंग में आपको दिख रहा है, तो हमारे बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि यह एक बेटा होने का बहुत ही सटीक लक्षण माना जाता है। लेकिन वाइट डिस्चार्ज यदि आपको ज़्यादा पास हो रहा है, तो इस समय भी आपको, मुझे लगता है कि डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए। प्रेगनेंसी में आप छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी समस्या को इग्नोर नहीं करना चाहिए, इस समय आपको बहुत ही ध्यान से खुद का ध्यान देना पड़ता है ताकि बेबी हेल्दी पैदा हो। हर महिला चाहती है कि बेबी हेल्दी पैदा हो, प्रेगनेंसी यानी कि हेल्दी हो। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हो, तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा, लाइक शेयर कर दीजिएगा और कमेंट्स में किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं जरूर बताइएगा। अगला सिम्टम्स ये है कि जिन महिलाओं को, यानी कि फेस में बदलाव होता है सातवें और आठवें महीने में, जैसे कि आपका फेस इचिंग हो रही है, मतलब कि फेस में खुजली हो रही है हल्की फुल्की आपको, तो भी माना जाता है कि गर्भ में पल रहे शिशु एक लड़का होता है। लड़का होने पे फेस में थोड़ी सी इचिंग की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। अगला सिम्टम से है कि अगर आपका सातवें और आठवें महीने में चेहरे पे दाग धब्बे हो रहे हैं, डार्कनेस बढ़ जा रहा है चेहरे पे, आपको डार्क स्पॉट की ज़्यादा समस्या हो रही है, चेहरे डल हो रहे हैं, चेहरे का ग्लो खत्म हो रहा है, तो भी माना जाता है कि गर्भ में पल रहा शिशु एक लड़का होता है। तो गर्भवती स्त्री के चेहरे बहुत जल्दी डल हो जाते हैं। अगला सिम्टम्स ये है कि जिन महिलाओं को सातवें और आठवें महीने में, जैसे कि हाथ और पैर के नाखून जो है बहुत ही तेज़ी से बढ़ते हैं, और इसके अलावा अगर बेबी का मूवमेंट बहुत ही अच्छी तरीके से, हार्ट बीट पता चलता है आपका, गर्भ में महसूस होता है बेबी का हलचल, किक मूवमेंट, तो भी माना जाता है कि गर्भ में पल रहा शिशु एक लड़का होता है। लड़की के अकॉर्डिंग लड़का थोड़ी सी गर्भ में ज़्यादा ही हलचल करता है, मूवमेंट करता है, किक करता है। ज़रूरी नहीं है कि लड़की भी गर्भ में हलचल और किक मूवमेंट नहीं करेगी, करती है, बट बेबी गर्ल के अकॉर्डिंग बेबी बॉय थोड़ी ज़्यादा करता है, ये हमारे बड़े बुजुर्ग बताते हैं। अगला सिम्टम्स ये है कि अगर
अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ही ज़्यादा घूमना पसंद है, जैसे कि आपको घर में रह के आपको बहुत ज़्यादा बोरिंग लगती है, घर में आपको रहने का मन ही नहीं करता है, लगता है कि कहीं खुली हवा में घूमें, अच्छा लगता है बाहर घूमना, एक अच्छा फील होता है, महसूस होता है, तो भी माना जाता है कि घर में पल रहा शिशु जब एक लड़का होता है तो गर्भवती स्त्री के घर में मन बहुत ज़्यादा विचलित होता है, वो बाहर की हवा यानी कि बाहर की तरफ थोड़ी सी ज़्यादा मन रुझाव बढ़ जाता है, ज़्यादा घूमना फिरना पसंद आने लगता है। तो ये सारे हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते हैं बताते हैं, जरूरी नहीं कि सारे सिम्टम्स सही ही होते हैं लेकिन काफ़ी हद तक सटीक भी होते हैं, ये मैं बताऊंगी क्योंकि मेरे प्रेगनेंसी में ये सारे सिम्टम्स काफ़ी हद तक सटीक हुए हैं और मुझे बेबी बॉय हुआ था फर्स्ट प्रेगनेंसी में। मेरा चैनल कोई भी जेंडर सिलेक्शन को बढ़ावा नहीं देता है, सिर्फ और सिर्फ आपकी उत्सुकता और जिज्ञासा को कम करने के लिए वीडियो बनाई जाती है। तो इस वीडियो को हमेशा आप पॉजिटिव सोच में देखिएगा, गलत सोच से कभी मत देखिएगा। थैंक्स फॉर